हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये आइसक्रीम मार्केट वाली आइसक्रीम से भी काफ़ी टेस्टी लगती है। बिल्कुल प्योर, बिना केमिकल यूज किए इस चॉकलेट आइसक्रीम को आप इजीली घर में बना सकते हो। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कोको पाउडर का स्लरी बना लेंगे। इसके लिए 3 से 4 चम्मच कोको पाउडर में आधा कप दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्ब्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, तो इसको आप एकदम अच्छे से मिक्स कर लें, तभी आगे का प्रोसेस करें। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब ये रेडी है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम 2 ग्लास दूध ऐड करेंगे और दूध को एक बार चलाने के बाद इसमें एक बॉईल आने देंगे। यहाँ मैंने गाय के दूध का यूज किया है, आप कोई भी मिल्क यूज कर सकते हो। जब दूध में बॉईल आ जाए तो इसमें हम कोको पाउडर और दूध का जो हमने स्लरी रेडी किया था वो ऐड कर देंगे और अब इसे एक विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इसे अब हम 5 से 7 मिनट के लिए स्टर करते हुए पकाएंगे। कोको पाउडर का जो मिक्सचर हमने इसमें स्टार्टिंग में ही ऐड कर दिया है, इससे होगा क्या, कोको पाउडर का जो कच्चापन है वो चला जाएगा और साथ में दूध भी ठीक हो जाएगा। कोको पाउडर का मिक्सचर दूध में अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसमें हम मिल्क मेड ऐड कर देंगे। यहाँ अभी इसमें मैं 4 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ। आप इसकी जगह चाहो तो आधी कटोरी चीनी भी डाल सकते हो। कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने से आइसक्रीम जो है वो थोड़ी क्रीमी बनती है और इसे आप इजीली घर में बना भी सकते हो। अभी यहाँ मैंने होममेड मिल्कमेड का ही यूज किया है। मिल्कमेड ऐड करने के बाद इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए स्टर करते हुए कुक करेंगे। इसको आपको बीच बीच में चलाते हुए पकाना है, नहीं तो कोको पाउडर वाला जो मिक्सचर हमने इसमें ऐड किया है उस कारण से ये नीचे चिपक सकती है। तो अब ये पहले से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो हम इसमें मिल्क चॉकलेट ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें मैंने 40 रुपये वाली डेयरी मिल्क यूज किया है, आप कोई भी कुकिंग चॉकलेट इसमें डाल सकते हो। अभी ये मिक्सचर इतना गर्म है कि चॉकलेट खुद मेल्ट हो जाएगा। अगर आप गैस के फ्लेम को ऑन करके चॉकलेट डालोगे तो चॉकलेट इसमें सीज होकर जल सकती है। तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाती है। तो यह अब एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इस मिक्सचर को अब हम मिक्सचर जार में ऐड कर देंगे। साथ में इसमें हम 2 चम्मच मिल्कमेड ऐड कर देंगे। मिल्कमेड हमने पहले भी इसमें 4 चम्मच ऐड किया था, तो मिल्कमेड आप इसमें कम ही ऐड करना। साथ में इसमें हम फ्लेवर लाने के लिए चॉकलेट एसेंस ऐड कर देंगे। आप चाहो तो इसकी जगह वेनिला एसेंस भी डाल सकते हो। और साथ में इसमें हम 2 कटोरी व्हिप्ड क्रीम ऐड कर देंगे। व्हिप्ड क्रीम की जगह आप इसमें फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हो, उससे भी यह आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनती है। अगर आप फ्रेश क्रीम का यूज कर रहे हो तो इसमें आप आधी कटोरी मिल्क पाउडर भी ऐड कर देना। तो इसको अब हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। इसे हम बीच बीच में रोक कर 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, तभी हमारी आइसक्रीम एकदम क्रीमी बनेगी। तो अब यह रेडी है, तो इसे हम आइसक्रीम वाले मोल्ड में या कोई डब्बे में डाल लेंगे। पहले हम इसमें आधा मिक्सचर डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ बादाम और थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स डाल लेंगे और फिर ऊपर से हम और मिक्सचर डालकर थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स और डाल लेंगे। इससे आइसक्रीम के बीच में बादाम और चॉकलेट चिप्स आता है, जो कि काफ़ी टेस्टी लगता है। और इसे अब हम 8 से 9 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ मैंने 2 कंटेनर में आइसक्रीम को सेट होने के लिए रखा था, तो मैं अब आपको स्कूप करके दिखाती हूँ कितनी क्रीमी आइसक्रीम बनी है। आप देख सकते हो कितनी ईजीली स्कूप बन रही है। यह आइसक्रीम खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप भी इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना। आप इस आइसक्रीम के फैन हो जाओगे।